एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉर्ट। मैं आपके सामने आई हूँ वापस से एक और पावर पैक्ड वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप फ्रिक्वेंटली यूज सॉफ्टवेयर टैली प्राइम का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो और किस तरह का काम आपको करने मिलता है जब आप ऑफिस में जाते हो। एज अ न्यू ज्वाइनी हमें हमेशा डर रहता है कि कैसा काम मिलेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे आंसर्स आपको ये वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब आप कमेंट करते हैं ना, बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मैं शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन आपके साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, एक बार मैं टैली प्राइम बंद कर रही हूँ। मैंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रखा है तो ताकि आपको काफी समझ में आए। तो चलिए टैली इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, मनोज एक बंदा है, न्यू ज्वाइनी है, उसने फ्रेशर की तरह ज्वाइन किया है स्किल शॉर्ट ऑडियो लाइफ प्राइवेट लिमिटेड और उसको एक टास्क मिलता है कि कैसे हम टैली प्राइम में कंपनी ओपन करेंगे। तो वो आपसे पूछता है बंदा कि हम टैली प्राइम में कैसे कंपनी ओपन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टैली प्राइम सर्च कर लो। खुल रहा है। अब उसके बाद हमको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड एक बार कर लेते हैं, एंटर मार लेते हैं। उसके बाद हम सिंपली जाएंगे स्पेसिफाई पाथ में और ये जो पाथ है, जैसे ये फोल्डर मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, यहाँ पर जाके आपको पाथ को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और उसके बाद आपको कहाँ जाना है, इसमें पेस्ट करना है, Ctrl+V से पेस्ट और फिर स्किल शॉट ऑडियो लाइफ एंटर करना है और आपका पासवर्ड यूजर नेम जो है वो प्रोवाइड करना है। ऐसे आपका स्किल शॉट ऑडियो लाइफ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो ओपन हो जाएगा। एकदम आसान था। एक और मेथड है, यहाँ पर F3 में आपको जाना है, सिलेक्ट कंपनी करना है, फिर स्पेसिफाई पाथ में जाना है, तो ऐसे आपकी कंपनी जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस था। अब नेक्स्ट हम लोग कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बंदा नया ज्वाइनिंग किया है, स्किल शॉट का क्या एक्सपेक्टेशन है उससे। स्किल शॉट रिक्वायर्स अ डेटर एजिंग रिपोर्ट। डेटर एजिंग रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए कि रिकवरी स्टेटस कैसी चल रही है कंपनी की। 30 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक, 180 दिन तक कौन सा डेटर बड़ा पुराना हो गया है। तो मनोज आपका असिस्टेंस मांगता है, बोलता है कि भैया तुम बता दो कैसे करेंगे। तो कैसे करने वाले हैं हम, सिंपली कहाँ जाएंगे, हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे डी, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एस, फिर हम जाएंगे आउटस्टैंडिंग में। आउटस्टैंडिंग में जाने के बाद हम रिसीवेबल में जाएंगे। रिसीवेबल में जाने के बाद देखिए बिल वाइज डिटेल्स हमें मिल रहा है, लेकिन हमको बिल वाइज नहीं चाहिए। हम F12 करते हैं, हमको सपोज लेजर वाइज डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो लेजर वाइज करने के बाद आपको सिंपली एजिंग मेथड में जाना है। कहाँ जाना है, एजिंग मेथड। तो एजिंग बाई बिल डेट आप कर सकते हैं या ड्यू डेट आप कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। तो एक बार मैं बिल डेट के हिसाब से करती हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 0 to 30 मेंशन करना है, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 360 एंड 360। तो ऐसे करने के बाद आपको सेव करना है। आप देख सकते हैं कि लेस देन 30 कौन सा ड्यू है वो दिखा रहा है और बिल वाइज डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है और 360 डेज से ज्यादा क्या है, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने इंफॉर्मेशन जो है आपको दिख गई है। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या क्वेश्चन है, स्किल शॉट GSTR-1 डेट इज अप्रोचिंग, मनोज इज कंफ्यूज हाउ टू प्रोसीड विद द सेम यूजिंग टैली प्राइम। तो बंदा एकदम कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है, उसको पता नहीं है कि टैली प्राइम के द्वारा मैं कैसे जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग कर सकता हूँ, क्या प्रोसेस होगा, तो उसको पता नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मैम आप हमेशा तो ये बोलते हो, क्या बोलते हैं कि सबसे पहले डीओ में जाइए, जीएसटी जी में जाइए, यहाँ पर देखिए GSTR-1 है। GSTR-1 में जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली कोई भी डेट आप ले लीजिए एक बार। तो मैंने 21-22 ले लिया एक बार। तो देखिये यहाँ पर जो मिसमैच आ रहा है, अनसर्टन इन्फॉर्मेशन, अनेबल टू डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन टाइप, ये सारे जो अनसर्टन ट्रांजैक्शन हमारे होते हैं उनको हमको हटाना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट GSTR-1 में जाके आप जो मिसमैच है वो दूर करें। तो देखिए मिसमैच का अलग से मेरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो मिसमैच हमको हटाना पड़ता है जो भी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है। फिर देखते हैं उससे क्या पूछा जाता है। Manoj got to know from his senior that the per day limit of payment per party shall not exceed 10,000। तो सभी को पता है पर डे पेमेंट जो है सिंगल पार्टी को 10,000 से एक्सीड नहीं कर सकता है, नहीं तो वो डिसअलाउड हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट में। कौन सा सेक्शन है आप लोग कमेंट कर दीजिए, देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। हाउ ही कैन चेक द सेम, अब बंदा कैसे चेक करेगा बताओ। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, देखते हैं, बैक कर लेते हैं एक बार, डिस्प्ले में जाएंगे, फिर हम अकाउंट्स बुक में जाएंगे, कैश बुक में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैश का ऑप्शन आ रहा है, तो दिसंबर को एक बार एंटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला डेट एंटर करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हर डे का बैलेंस जो है, पेमेंट कितना हुआ है पर डे के बेसिस पे पर पार्टी को कैश में। देखो कैश में अगर बैंक में जमा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पर डे पर पार्टी को क्या पेमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पर रघुनाथ को 144 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में जमा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपको देखना है कि आपका रनिंग बैलेंस क्या चल रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि हम यहाँ पर रनिंग बैलेंस भी देख सकते हैं। कैश नेगेटिव अगर आपको देखना है कि कौन सा दिन कैश नेगेटिव है, तो कैश का पेमेंट नहीं होना चाहिए कितने हजार से ऊपर, 10,000 से ऊपर। तो जो भी पेमेंट हो रहा है, यहाँ तो सब सेल्स का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर देखो पेमेंट हो रहा है लेकिन 5,000 हो रहा है। तो अगर आपका 5,000 हो रहा है वी डोंट हैव टू वरी, लेकिन 10,000 से एक्सीड हो रहा है तो, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए कैश पर डे के बेसिस पे। तो रनिंग बैलेंस करके आप देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट क्या है, मनोज, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मनोज गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज बॉस, बॉस ने अर्जेंटली कॉल किया। ही आस्क्ड फॉर द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इनवॉइसेस रेज्ड, कि कितना सेल्स इनवॉइसेस मैंने रेज किया, जल्दी जल्दी बताओ। बंदा नया नया आया है, कितना काम कराओगे उससे, देखते हैं। तो ये कैसे करेंगे कि हमको पता करना है कितना मैंने सेल्स इनवॉइसेस रेज किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो कैसे करेंगे, हम डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है, एस में आपको जाना है, DSS स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आप जाएंगे और स्टैटिस्टिक में जाएंगे। तो बंदा देखना चाहता है कोई पीरियड का, सपोज 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स का इनवॉइसेस कितना रेज हुआ है। तो ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है जो हम लोगों को बताता है कितना कॉन्ट्रा एंट्री है, कितना हमारा जॉब वर्क है, कितना हमारा जर्नल है, कितना मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है, ये सारा डिटेल यहाँ से मिलता है। तो ये स्टैटिस्टिक रिपोर्ट DSS। अब नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट बंदे को बोला जाता है मनोज वॉज गिवन द टास्क टू ड्राफ्ट डेटर कंफर्मेशन। अब डेटर कंफर्मेशन बंदे को देना है हर एक डेटर का। व्हाट इज डेटर कंफर्मेशन, हमको डेटर से क्या करना है ना, कंफर्म कराना है कि उनका बैलेंस क्या है, उनका बैलेंस क्या है, उनके मेरा बैलेंस ये है, क्या आपका भी ये है। तो वो कैसे कंफर्मेशन करते हैं आइए देखते हैं। तो एक लेजर में जाते हैं, लेजर में कैसे जाते हैं, DAL, एक बार वापस मैं आपको दिखा देती हूँ, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर DAL, आशा करके एक है, आशा प्लास्टिक। अब ये बंदी का कितना ड्यू है, एक बार हम डेट चेंज करते हैं, तो ये 5,681 ड्यू है। तो ये तो मेरे बुक्स में है, मेरे को पूछ रहा है उस बंदी को कि आपके बुक्स में है क्या उतना ड्यू। तो कैसे हम पूछेंगे, हम सिंपली कहाँ जाएंगे, हम Alt P करेंगे या Control P कर लो। Control P करने के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको ये जो है कॉन्फ़िगरेशन कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करना है। क्या कहाँ गए आप कॉन्फ़िगर में गए, कहाँ गए, कॉन्फ़िगर में गए, और उसके बाद आपको रिपोर्ट टाइप, ठीक है, उसमें कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स करना है। क्या करना है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स, Control A कर देना है। और प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए Alt Z में कर देती हूँ, एक बार रुकिए जूम के लिए। देखिए यहाँ पर कितना क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो इज द डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट एज स्टैंडिंग इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, काइंडली रिटर्न 3 कॉपी स्टेटिंग योर IT परमानेंट account number duly signed and sealed in the confirmation. Please note that if no reply is received with the fortnight, it will be assumed that you have accepted. तो ऐसे हम confirmation करवाएंगे पार्टी से, ठीक है। तो ये वे है, हम लोगों को confirmation जो है देखना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये confirmation का वे है, ठीक है। अब दूसरा क्या वे पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। अब मनोज को एक और टास्क दे दिया गया, मनोज सीनियर इज टू प्रेजेंट द एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। मनोज के जो सीनियर है उसको बैलेंस शीट को एनालाइज करना है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है भैया कैसे करते हैं। तो आप बोलोगे मैम चैट जीपीटी यूज कर लो। हाँ वो बात सही है, चैट जीपीटी यूज कर लेंगे, लेकिन चैट जीपीटी यहाँ पर यूज नहीं करना है, टैली प्राइम ही यूज करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम सिंपली कहाँ जाएंगे, हम लोग जाने वाले हैं रेशियो एनालिसिस में। आप रेशियो एनालिसिस में देख सकते हो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, सब कुछ दिया हुआ है। तो ऐसे आपको काम करना। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट रहा होगा। इंटरव्यू का कौन सा वीडियो मुझे बनाना है, एज एन अकाउंटेंट आपको क्या रिक्वायर्ड है, प्लीज कमेंट कीजिए। जब भी आप कमेंट करते हैं ना, बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।